फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहेंगे तो सॉल्यूशन मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। आसान शब्दों में समझिए, जब भी फाइंड द सॉल्यूशन या सॉल्व द इक्वेशन कहे तो क्या करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। ये दोनों इक्वेशन है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। एलिमिनेशन में क्या होता है, कोई दो वेरिएबल सेम करो और एक को एलिमिनेट कर दो। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लो एक इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। सॉरी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप कौन सा मेथड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला लगता है, सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ही बता दें। हाँ, तो वो सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है बताइए, 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0 है, कैसे करेंगे। यहाँ से x निकाल लिए, मान लिए फ्रॉम इक्वेशन वन, आप लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन वन, उसके बाद यहाँ से लिखिएगा 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। अब x की वैल्यू निकालनी है तो पहले सब कुछ उधर भेजो, इतना हिस्सा उधर भेजो, तो ये प्लस 7 उधर जाएगा माइनस 7 हो गया, प्लस 4y उधर जाएगा माइनस 4y हो गया, इतना हिस्सा उधर चला गया इक्वल टू के, है ना। इधर क्या बचा फिर 3x, है ना। अब हमें x की वैल्यू निकालनी थी ना, x की वैल्यू निकालने के लिए x और 3 क्या है आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, इन दोनों के नीचे, माइनस 4y माइनस 7 अपॉन 3। ये हमारी आ गई x की वैल्यू, क्या आ गई, x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ये जो है इसमें यहाँ पे x लगा है, जब हम x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे यहाँ से x गैप हो जाएगा, x की जगह देखिए दो दो y हो जाएंगे, एक अला वाई एक अला वाई, ठीक है, तब आसान हो जाएगा करना। तो हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, आप प्रॉपरली लिखिएगा, आप इक्वेशन सेकेंड उतारिए, 5x माइनस 7y माइनस 2 बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड हमने उतार ली। अब 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, ठीक है, जब दो एक नंबर और एक वेरिएबल उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब x की वैल्यू, x को जो हटा के इसकी वैल्यू ब्रैकेट में लिख दिए, ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है, माइनस 4y माइनस 7 अपॉन 3, ये x की वैल्यू है, ठीक, माइनस 7y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, पहले ईजिली सॉल्व करने का क्या मसला है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिए ना, 5 4 20 माइनस का 20, वाई लगा था वाई लगा दिया, फिर माइनस 5 7 35, नीचे 3 लिखा था पूरे में 3 लिख दिया, ठीक, माइनस 7y माइनस 2 बराबर 0, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या 20 में से 35 चला जाएगा या कुछ ऐसा हो सकता, नहीं, ये 20y में से 7y नहीं, अभी ये फ्रैक्शन में है मामला, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे 1 है, यहाँ भी नीचे 1 है, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेना पड़ेगा ना। यहाँ माइनस 20y माइनस 35, अरे चलिए हम पहले एलसीएम लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम आएगा 3, क्या आएगा 3, क्योंकि 3 और 1 1, या जो भी इधर नंबर हो और इधर 1 1 हो तो खाली वही नंबर एलसीएम आ जाता है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जब इसका एलसीएम, इन सब तीनों का एलसीएम 3 आ गया, अब 3 का टेबल इतनी बार पढ़ते हैं, 3 का या ले 3 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि याला 3 आ जाए, तो 3 1 3, है ना। तो 1 से इसके ऊपर, इस 3 के ऊपर ये पूरा जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है ना फ्रैक्शन वाला मामला, तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, यही बचेगा, है ना, यही बचा, यही लिख दिया माइनस। अब इसके नीचे क्या है, 1, इस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, यानी 1 का टेबल 3 इतनी बार पढ़ो 3 आ जाए, 1 3 3, अब जो आया 3 आया, 1 के टेबल में 3 3 बार में आता है, 3 आया, अब इसके ऊपर जो था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस 2 लिखा, सॉरी ये 1 से फिर 3 को डिवाइड किया, क्या आया, 1 3 3, तो 3 बार में आया, तो 3 के ऊपर 1 के ऊपर क्या है माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस हम यहाँ पहले लगा चुके थे ना, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो। अब देखिए, अब हम जो है भाई भाई को सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 20y को किससे सॉल्व करेंगे, अभी तो पूरा ये हुआ नहीं है क्योंकि लाइन पूरी हो गई है, अब ये लाइन पूरी हो गई है तो ऊपर हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, पहले रीअरेंज कर लें, माइनस 20y माइनस 35 माइनस 3 7 21, वाई लगाते लगा दिया, माइनस 3 2 6 अपॉन 3 बराबर 0,
अब ये 3 0 के साथ मल्टीप्लाई में जाए, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 0 हो जाएगा, 3 0 0 0, ठीक है, इधर 3 गैप भी होगी नीचे से। अब हमारे पास क्या बचा, -20y -35 -21y -6, है ना, ये बचा नीचे 3, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 3 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, वो भी पता है ना कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है, ठीक। अच्छा ये 3 पहले यहाँ से नहीं जा सकता था उधर, क्योंकि यहाँ पे इतने में फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन अलग, ये फ्रैक्शन अलग, और लाइन देखने अलग अलग है ना, तो इस लाइन को सेम बनाने के लिए पहले एलसीएम लिया, बाद में 3 उधर जा पाया। अब इसके बाद का मामला क्या है भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 20y देखिए इसमें लगा है और y 21 में लगा है, यानी कि इन दोनों सॉल्व हो सकते हैं, बाकी 21 में से 6 नहीं जा सकता, यहाँ 21 में 35 नहीं ऐड हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ y लगा है और यहाँ y नहीं लगा है, यहाँ y नहीं लगा, ठीक, जिसमें जिसमें सेम वेरिएबल होते हैं y y x x वही ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो -20y और ये -21y एक साथ रख लिया, और ये माइनस का 35 और ये माइनस का 6 साथ में रख लिया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है ना, 20 40 41y, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, जब दो माइनस इस तरह से होते हैं साइन माइनस का लगता है, माइनस माइनस प्लस 35 और 6 41 हुआ, लेकिन साइन माइनस का लगेगा ना, ठीक, बराबर 0। अब ये माइनस का 41 उधर चला जाएगा, माइनस का 41 इधर जाएगा, प्लस का 41 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस, यानी 41 प्लस 0 तो 41 आएगा, यानी किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो वही रहता है ना, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, 0 तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे उधर जाएगा माइनस प्लस 41 आ जाएगा, 41 बचेगा, ठीक है, इधर माइनस 41 वाई बचा है ना, अब वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये 41 अपॉन 41, यहाँ माइनस लगा अभी लगा रहे, तो 41 से 41 बन 41, 1 अपॉन 1 बचा, क्या बचा, 1 अपॉन 1, नीचे 1 नहीं लिखते हैं क्या, नीचे 1, तो माइनस वाई बराबर 1 आ गया, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा माइनस 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। अब ये वाई की वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, इसमें क्वेश्चन थर्ड में, हम अगले पेज पे नहीं कर रहे हैं, यहीं से उठा के वहाँ पर रख दें, वाई की वैल्यू क्या आई है, माइनस 1 है ना, हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। आपने क्या किया, अभी इसको एक्स को उतारा, एक्स बराबर -4y -7/3 और -4, और वाई की जगह पे क्या रखेंगे, -1, हमने कहा नंबर ऑफ वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है, वाई की जगह -1 रखा, ठीक है, क्योंकि -1 था, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट, अब देखिए 4 1 4 माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा था, तो साइन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे मामला क्या था, माइनस माइनस प्लस हुआ था लेकिन साइन माइनस का लगा था क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगा, ठीक है, तो माइनस लगा रहा था, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ था, प्लस लिख दिया, 4 1 4 -7/3। अब देखिए एक्स बराबर चल रहा है ना, 4 में से 7 गया, उल्टा कर रहा है ना, 7 में 4 गया, 3 बचा लेकिन साइन माइनस का लगा क्योंकि 7 बड़ा उसका साइन माइनस है, 4 छोटा उसका साइन प्लस, तो बड़े नंबर का साइन लग जाता है आंसर में, 3, ठीक है, 3 1 3 3 1 3, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, नीचे वाला 1 नहीं लिखते, x की वैल्यू भी -1 आई और y की वैल्यू भी -1 आई। तो अब आप इसको जो है फिर से पूरा देख लीजिएगा वीडियो फिर से पीछे, पहले हमने क्या किया, रीअरेंज किया, हमने यहाँ आते x की वैल्यू निकाल ली है, आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, इसको उधर बैठते हैं -7 -3x और 4 नीचे चला जाता, ठीक है, फिर उसके बाद उठा के इस इक्वेशन में वाई की जगह पुट करते हैं, आपने एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ से एक्स में पुट किया, आप चाहे तो इक्वेशन 2 से एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे या वाई की वैल्यू निकाल सकते थे, फिर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है, फर्दर आपको पुट करना आना चाहिए, यहाँ पर गलती बच्चे करते हैं, ये गलती ना करिएगा ब्रैकेट वाली, फिर तभी आंसर सही आएगा, फिर फर्दर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो, फिर वहाँ पर उठा के वैल्यू पुट करते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 HW है, ये क्वेश्चन जरूर करके दिखाइए, और ये इक्वेशन 2 हैं इसको सॉल्व करिए, और ये लास्ट वाला भी 5B, यानी कि 1 और 2 तो हमने बता ही दिया है, 4 5B आप करिए, ठीक है, ये हम बताते हैं, इसमें 1/x को बड़ा x मानना पड़ेगा, 1/y को बड़ा x, बड़ा y,